अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल आफरी इंस्पिरेशन। व्यूअर्स, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि बेडशीट का ट्यूटोरियल भी इंक्लूड किया जाए, तो इंशाल्लाह आज से मैं आप लोगों को बेडशीट का ट्यूटोरियल स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर होता है जो कि एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, तो इसकी मैं आप लोगों को डिफरेंट वीडियोज़, एक ही बेडशीट के डिफरेंट वीडियोज़ बनाकर उसको पूरा कवर करूँगी। फर्स्ट वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों को पिलो कवर की टोटल ड्राफ्टिंग, उसकी फैब्रिक पर कटिंग, सेटिंग, जो जितनी जो कुछ भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, जितना भी प्रोसीजर है, वो सब मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो बेडशीट का बॉर्डर बनता है साइड पर वो, और फिर उसकी सेंटर में डिज़ाइनिंग, वो डिफरेंट अलग वीडियोज़ में इंक्लूड की जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ पिलो कवर बताऊंगी। उसके बाद हम इसी पैटर्न, इसी पिलो कवर की जो सेट होता है बेडशीट का, वो करेंगे। तो पहले हम ये स्टार्ट करते हैं पिलो कवर का। व्यूअर्स, पिलो कवर पर एप्लिक वर्क की डिज़ाइनिंग के लिए मैं पहले इसकी हम ड्राफ्टिंग कर लेंगे। ड्राफ्टिंग के लिए मैंने जो पेपर ले लिया, पेपर के जो साइज़ है वो मैं यहाँ से बताती हूँ आपको। इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है 2.8 इंचेस, यहाँ से 2.8 इंचेस है, और इसकी जो लेंथ है वो 3.5 इंचेस, यहाँ से 3.5 इंचेस। ये मैंने पेपर ले लिया है इस साइज़ का, इसके ऊपर हम ड्राफ्टिंग करेंगे। ड्राफ्टिंग करने के लिए हमने जो लेंथ है, लेंथ सीधी रखकर, और यहाँ पर हमने तकरीबन 0.5 इंचेस का डिस्टेंस रखना है नीचे से, इस तरह 0.5 इंचेस का डिस्टेंस रखकर थोड़ी यहाँ से थोड़ी सी दूर में मार्किंग कर लेते हैं इतनी, ठीक है। इतना सा इधर से भी 0.5 इंचेस का डिस्टेंस रखना है, इधर से भी 0.5 इंचेस का डिस्टेंस रखकर यहाँ पर एक इस तरह मार्किंग कर ले, ठीक है। अब यहाँ से चौड़ाई से हमने 1 इंच का डिस्टेंस रखकर यहाँ पर एक मार्किंग कर लेनी, एक मार्किंग यहाँ पर कर ली और एक मार्किंग यहाँ से 1/2 इंच का, और यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमने लीफ शेप ड्रॉ करना है ड्राफ्टिंग के लिए, तो हम यहाँ से जो हमने 0.5 इंचेस का डिस्टेंस रखा था, यहाँ से लीफ ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, और इस पॉइंट को टच करते हुए यूं और इस तरह ऊपर जाकर यहाँ पर से भी थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हैं, तो फोल्डिंग का इस तरह हम लीफ ड्रॉ करेंगे। ये हाफ लीफ है, जब इसको हम ओपन करेंगे पीछे से तो ये लीफ बनेगी। तो हमने इस तरह हाफ लीफ ड्रॉ कर ली है। लीफ को अच्छे से शेप देने के लिए इसके बीच में हम इस तरह एक टेढ़ी आड़ी जो है लाइन ड्रॉ कर देंगे, कट इसको भी हम कट करेंगे। बस ये इतनी ही इसकी ड्राफ्टिंग है, एक लीफ कट कर कट होगा और एक यहाँ पर लीफ को शेप देने के लिए कि यहाँ पर इसकी कटिंग होगी, ये दो ही कटिंग होंगी इसकी। तो हम इसको कट कर लेते हैं इस तरह, ये इसकी ड्राफ्ट ड्राफ्ट की कटिंग हो गई है। अब हम जब हम फैब्रिक पर बनाएंगे तो यहाँ पर भी एक कटिंग होगी हल्की सी, वो मैं आपको डायरेक्ट फैब्रिक पर बता दूंगी। अब हम इसको इस मोटिव को मॉडल बनाकर मेन फैब्रिक पर इसकी स्केचिंग और कटिंग स्टार्ट करते हैं। पिलो कवर पर डिज़ाइनिंग के लिए हमें इस तरह का जो फैब्रिक चाहिए होगा, ये फॉन कलर का फैब्रिक है जो कॉटन का है, और इसकी जो बेडशीट है वो भी कॉटन की है, पिलो कवर और बेडशीट। तो हम इस कॉटन की फैब्रिक को, जो फॉन कलर का फैब्रिक है, इससे हम एप्लीक करने वाले हैं। तो इसकी हमने इस तरह लंबी पट्टी काट लेनी है, लेंथ जो है वो जितने भी आपका फैब्रिक है उसी के हिसाब से काटिएगा। इसकी जो यहाँ से चौड़ाई होगी वो 3.5 इंचेस, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई थी, यहाँ से 3.5 इंचेस का पट्टी रखकर और इस तरह लंबी पट्टी काट लेंगे पूरी, ठीक है। अब हम इसके हिसाब से जितना ये हमने किया था इसके साथ, इसको आगे रखकर इसकी फोल्डिंग करेंगे। यहाँ पर मैं मार्क कर लेती हूँ। अब हम इसकी फोल्डिंग करेंगे इस तरह,
व्यूअर्स, ये एप्लिक के फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट करने के बाद ये देखें पूरी पट्टी की कटिंग कंप्लीट होकर आ गई है। अब हम इसे साइड पे कर देते हैं। आप पिलो कवर का जो फैब्रिक है उसको समझ लें, वो जो हमारा पिलो होता है पूरा उसका साइज़ का ये उसके साइज़ का ये फ्रंट पीस है, सिर्फ आगे का हिस्सा है पिलो कवर का, उसके बैक का भी अलग होगा। तो पिलो कवर का जितना भी साइज़ है आपका उसके हिसाब से ये फैब्रिक काट लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने ये अपने पिलो के हिसाब से पूरा काट लिया है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो इसकी लंबाई है उसे इस तरह सेंटर से फोल्ड करेंगे यूँ करके, ठीक है। ये वाला इधर से सेंटर से हमने फोल्ड किया, उसके बाद सेकंड फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर है ये बिल्कुल पिलो का सेंटर आ जाएगा, ये जो कवर है पिलो कवर उसका सेंटर आ जाएगा। हमने एप्लिक के पट्टी की रेक्टेंगुलर शेप में जिस तरह पिलो होता है बिल्कुल उसी तरह उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो उसकी डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक, ये कोई मैंने नाप के तो नहीं लगाया, अंदाजे से लगाया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये तकरीबन 6.5 इंचेस के यहाँ से सेंटर से लेकर यहाँ तक 6.5 इंचेस के डिस्टेंस से इस तरह फोल्ड करके और यहाँ पर खूब अच्छे से प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर निशान आ जाए। अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका अगर पिलो छोटा है तो आप यहाँ पर 6 इंचेस और 5 इंचेस का डिस्टेंस भी रख सकते हैं। मैंने 6.5 इंचेस का डिस्टेंस रखा है, तो यहाँ पर डिस्टेंस रखकर इस तरह पूरी जितने भी यहाँ पर लेंथ है इसकी यहाँ पर मार्किंग कर लें। फिर उसके बाद ये वाली मार्किंग करने के बाद अब सेंटर से इस तरफ ये तकरीबन 10 इंचेस है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 इंचेस के डिस्टेंस से मैंने एक मार्क किया इस तरह यूं करके, ठीक है। प्रेस करके एक फोल्डिंग हमने यूं करके इस तरह यहाँ पर मार्क कर लिया और एक फोल्डिंग इस तरह करके यहाँ पर मार्क कर ली। तो जब हम इसे ओपन करेंगे तो रेक्टेंगल शेप में ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। ये देखें एक यूं करके ये वाली लाइन, ये वाली यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद ये देखें यहाँ पर, और ये इस तरह पूरा पूरे पिलो कवर में साइड पे छोटा थोड़ा थोड़ा बॉर्डर छोड़कर बीच में रेक्टेंगल बनेगा। अब हमने ये जो हमारे पास रेक्टेंगल वाली मार्किंग आ गई है इसी के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे इस पट्टी से। इस पट्टी की डिज़ाइनिंग के लिए पहले हम इसकी लेंथ ले लेते हैं यहाँ से, ये देखें ये एप्लिक का फैब्रिक था, इसे मैंने यहाँ से ये जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर इस तरह सेट करेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा सा इतना आगे रखेंगे ताकि जब हम इसे स्टिच करें तो इस तरह इसकी फोल्डिंग होगी यहाँ से भी। तो हम इसे थोड़ा थोड़ा सा 2.2 इंचेस का आगे छोड़ देंगे, उसके बाद इसे इस तरह नाप कर जहाँ पर दूसरी लाइन ख़त्म हो रही है वहाँ तक हम इसकी लेकर और इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह भी हमने थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रखा है ताकि हम इसकी बाद में फोल्डिंग कर सकें। ठीक है, ये हमने काट के अलग कर लिया। अब यहाँ पर इसकी लेंथ आ गई है, अब हम इसकी जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है इस बिल्कुल इसी से टच करते हुए इसकी चौड़ाई में हम कटिंग करेंगे यहाँ से। ये देखें फोल्डिंग का थोड़ा थोड़ा सा ऊपर इसके ऊपर चढ़ाकर, ये जो फोल्डिंग का साइड है वो यहाँ से चढ़ाकर, और ये जो ये वाला पॉइंट है हमारा यहाँ पर, यहाँ तक हम लाकर इसको ख़त्म करेंगे। और इधर भी हमने जो है फोल्डिंग का छोड़ना है थोड़ा थोड़ा सा 0.2 इंचेस का, तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह यहाँ से यहाँ तक हो गई इसी तरह। फिर इसके बाद दूसरी पट्टी काट कर हम जो है यहाँ से इस तरह यहाँ पर चारों तरफ करके इसके रेक्टेंगुलर शेप पे बना लेंगे, एप्लिक की डिज़ाइनिंग कर लें। एप्लिक के फैब्रिक की सेटिंग करने के बाद अब हम इसे हमने यहाँ से क्योंकि देखें यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट इसके एजेस हैं तो हम यहाँ पर मशीन से भी स्टिचेस लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी मशीन के अंदर स्टिचेस लगाने के लिए फोल्डिंग चाहिए होगी वो हम इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे
यूं करके, और इसे हम किसी पेन से सेट कर लें या ग्लू से सेट कर लें या कच्चा कर लें, इस तरह करके सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये सेटिंग कर ली हमने इस तरह। जितने भी मैंने आप लोगों को बताई है डिज़ाइनिंग, इन सब की इस तरह हम यहाँ पर इस तरह सेट एजेस को मोड़ कर फोल्ड करके जो सिलाई में आएगी हम उसको सेट करके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसे इस तरफ बैक साइड पर यूं पलट देना है। ये देखेंगे इसके साथ स्टिक हो गई है। अब हमने इसको पलट के ये जो यहाँ पर मार्किंग आई है जितना हमने फोल्ड किया है, ये देखें निशान पड़ा हुआ आ रहा है, यहाँ पर हम मशीन से स्टिचेस लगा कर और इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे यूं करके। तो वो जो मशीन के स्टिचेस हैं वो यहाँ पर अंदर की तरफ चली जाएंगी और इसे ये इस तरह यूं आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मशीन से स्टिचेस लगा लेते हैं। ये मशीन से स्टिचेस लगा लिए, ये देखें इस तरह। अब हम इसे इस तरह टर्न करते हैं, ये देखें इस तरह। अब हम इसे सेट कर लेते हैं इसके ऊपर। यूँ हाथ से प्रेस करते जाएं तो ये इस तरफ आके बैठ जाएगा। ये देखें इस तरह बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरफ सेट करने से पहले हमने जो मोटे मोटे फोल्डिंग्स हैं वो ग्लू से फोल्ड करके फिर हम इसे यहाँ पर सेट करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर, मैं आपको कुछ फोल्डिंग्स बता देती हूँ।